दिमाग पे जोर डाल शहबाज, बाज है तू, उड़ उड़। मुझे यकीन है, आई बिलीव इन यू माई फ्रेंड। गुलों में रंग भरे, बादलों बहार चले। अस्सलाम वालेकुम, रोड शो वॉइस टीवी यूके के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ बलूचिस्तान सज्जी पर अपने कैमरामैन हसन मेहती के साथ। हमेशा की तरह कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज का सवाल लेकर आइए जानते हैं यहाँ की आवाम का सेंस कितना काम करता है, दिमाग कितना काम करता है। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम। वसीम, क्या करते हो आप? मैं आइसक्रीम का काम करता हूँ। आइसक्रीम का काम? जी हाँ। ऐसे ठंड के मौसम में? जी हाँ, ठंड में खाने में मज़ा आता है ना लोगों को, तो इसी वजह से ठंड में खाते हैं। वैसे ठंड में आइसक्रीम खानी चाहिए, आपका अपना क्या राय है इस बारे में? मेरी राय ये है कि ठंड में भी खानी चाहिए, आइसक्रीम बहुत अच्छी है माशाल्लाह, ठंड में भी लोग पसंद करते हैं, तो इसलिए ठंड में भी खानी चाहिए, बहुत अच्छी आइसक्रीम माशाल्लाह। कॉमन सेंस कैसा काम करता है? अच्छा माशाल्लाह, मज़ा आता है काम करने में। पूछ लूँ एक सवाल फिर मैं आपसे? पूछ ले। अच्छा, एक कॉमन सेंस का सवाल पूछना है आपसे, बताइए कि वो कौन सा जानवर है जिसकी जुबान नहीं होती? जुबान नहीं होती? जुबान ही नहीं होती उसकी, मुंह होता है पूरा, खुलता भी है, दांत भी होते हैं, लेकिन जुबान नहीं होती उसकी। बिच्छू। कैसे? मेरे ख्याल में बिच्छू ही है। बिच्छू का मुंह देखा है आपने कभी? देखा है लेकिन करीब से नहीं देखा, दूर से देखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुमान। उम्र कितनी है? 17 साल। ट्यूशन पढ़ के आ रहे हो? ये कोचिंग से। अच्छा, कॉमन सेंस कैसा काम करता है? काम करता है। एक सवाल पूछूं फिर कॉमन सेंस का? ये पूछें। अच्छा ये बताओ, आपके पास 5 एप्पल्स हैं बकेट में और 5 लोग हैं, आपने एक एक सेब उन 5ों में तकसीम करना है। ऐसे करना है कि एक सेब जो है वो बकेट में रह जाए। 5ों में तकसीम करना है? सोचना तो लग रहा है, अभी भी नहीं दे पा रहे जवाब। कोई आइडिया? और क्या हो सकता है इसके अलावा? जवाब जानना है? ये बताइए। जवाब जानना है तो इस एपिसोड के लास्ट में देख लीजिएगा वॉइस टीवी यूके को सब्सक्राइब करके यूट्यूब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? यार मोहम्मद, प्यार से यारू बोलते हैं। बहुत प्यारा नाम है यार मोहम्मद। यारों का यारू। अच्छा यार भाई, क्या करते हैं आप? सर मैं यहाँ वेटर हूँ, एज अ सीनियर वेटर। दिमाग कैसा काम करता है, कॉमन सेंस कैसा? ओए बस, कोई एक दिमाग चेक कर लेना, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा, कॉमन सेंस का एक सवाल है, आपके पास उल्टा है लेकिन वो आपको सीधा करना है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप ये सीधा करके मुझे दे दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, एक कॉमन सेंस का सवाल है कि आपके पास बकेट में 5 एप्पल्स हैं। सेब? हाँ। बकेट में कैसे आएंगे? बकेट में, बाल्टी में। बाल्टी? अच्छा बाल्टी। ठीक है। बाल्टी में 5 एप्पल्स हैं और 5 बंदे, आपने एक एक सबको देना है और ऐसे देना है कि आखिरी में आपके पास एक बकेट में बच जाए। 5ों को एक एक देना है फिर एक बच जाए? जी। ठीक है, बच गया, मैं खुद नहीं खाऊंगा ना। 5 हैं और बंदे भी 5 हैं, एक एक सबको देना है। ठीक है। आपका तो है ही नहीं उसमें, आप अपना ले आएं। मैं अपना एप्पल ले आऊं? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं लाएं, आप बस इसका जवाब दे दें। ठीक है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहां पे क्या कर रहे हैं? मारने साले का खोपड़ी तोड़ रहे, खोपड़ी तोड़ साले का। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? 5 पर्सन में 5 एप्पल बांट दिए, बचे कितने? ऐसे बांटने हैं कि 5 जो हैं वो 5ों में तकसीम हो जाए लेकिन आखिरी में एक बकेट में रह जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? अच्छा, 3 बंदों को पूरा पूरा दे दिया, 2 बंदों को आधा दे दिया, एक बच गया।
काटना नहीं है, साबुत देना है। अरे सर अभी ये मैंने सवाल सही जवाब दिया आपने, फिर वो कटवा दिया, फिर कटवा दिया ना। अच्छा जवाब जानना है आपने। वॉइस टीवी यूके के पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब पे जाके, उसके इस वाले एपिसोड के लास्ट में मैं जवाब बताऊंगा आपको, अभी नहीं बाद में बताऊंगा। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अंकल, क्या नाम है आपका? आपने बहुत अच्छा गाया। बहुत 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 शुक्रिया अंकल। मैंने आपको वहाँ से देखा, मुझे आपको देख के कोई शख्सियत याद आई, बहुत लेजेंडरी शख्सियत थी, उनके गाने मैंने भी बहुत सुने, आप समझ रहे होंगे कि कौन। अच्छा अंकल ने जवाब दिया, बिल्कुल आपको देख के मुझे उनकी याद आ गई। अंकल क्या करते हैं आप? मैं कनाडा में अपना काम करता हूँ, अपना बिजनेस। कनाडा में अंकल का अपना काम है। इसके अलावा उम्र गुजर गई, एक्सपीरियंस लिया होगा आपने, कॉमन सेंस होगा आपको, जनरल नॉलेज भी बहुत होगी। मैं एक सवाल करूँ आपसे जनरल नॉलेज का, छोटा सा बस ऐसे। अच्छा ये बताइए कि वो कौन सा जानवर है जिसकी ज़ुबान नहीं होती? इतना मुश्किल सवाल है, ज़बान ही नहीं है। कभी लाइफ में आपने सुना होगा बचपन में, वैसे आपने कभी हमारी तरह, क्योंकि मैं तो अपने बचपन में पहेलियाँ पूछा करता था अपने दोस्तों से, और बचपन में जो साथ में कज़न्स होते हैं घर में माहौल बना के, आप क्या किया करते थे अपने बचपन में? खेलकूद, कबड्डी, बदमाशियाँ। बस इसके अलावा बस कॉलेज। कभी गाने का शौक हुआ? नहीं वो तो कभी नहीं किया, उसका वक्त नहीं आया, मैं तो सीनियर आदमी हूँ, उसका टाइम नहीं आया। चले कोई आइडिया है कि वो कौन सा जानवर है जिसकी ज़ुबान नहीं होती? होती है मछली की ज़ुबान अंकल, मछली की हो सकती है, हम वैसे ज़बान तो हर एक की होती। चले बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। एक सवाल एक जनरल नॉलेज का, बताइए वो कौन सा जानवर है जिसकी ज़ुबान नहीं होती? नहीं पता, थोड़ा दिमाग पे जोर डालें, याद करें। बचपन में खेलते थे पहेलियों वाला, कज़न्स के साथ, दोस्तों के साथ, वो जो पूछते हैं मज़े मज़े की पहेलियाँ, वैसा ही है। अच्छा, ज़ुबान तो सब चीज़ों की होती है। एक जानवर ऐसा है जिसकी ज़ुबान नहीं होती? नहीं मालूम। नहीं मालूम। शो के आखिरी में बताइए, वॉइस टीवी यूके को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए? मैं तो बढ़िया एकदम। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शहबाज। इसका नाम क्या है? शहबाज। मेरा नाम भी शहबाज है, शहबाज हसन, नाइस टू मीट यू। अब जरूरी कोई है कि जो मैं सवाल पूछने वाला हूँ उसका जवाब मुझे तो पता है, अब इस वाले शहबाज को पता है या नहीं है ये जान लेते हैं जरा। और अगर पता हुआ तो भैया ये मानना पड़ेगा कि शहबाज नाम के लोग जो है ना वो इंटेलिजेंट, मतलब तरीके से, एक कॉमन सेंस का सवाल है, नहीं एक जनरल नॉलेज का सवाल है, कॉमन सेंस का कह लो जनरल नॉलेज का कह लो, सवाल सवाल है, जवाब दे दिया ना आपने, बस इज्जत रखनी है भाई की। भाई सवाल है कि वो कौन सा जानवर है जिसके मुँह में ज़ुबान नहीं होती? मुँह में ज़ुबान नहीं होती, मुंह में उसकी जुबान नहीं होती है यार, मुझे नहीं पता। दिमाग पे जोर डाल शहबाज, बाज है तू, उड़ उड़। मुझे यकीन है, आई बिलीव इन यू माई फ्रेंड। मगरमच्छ? बिल्कुल सही यार, जैसा एक्सपेक्ट किया था मैंने इससे। किसने बताया? सच सच बता दे। अभी तू यहीं घूम रहे थे ना आप? अभी गूगल वगैरह तो नहीं करके आए? बाकी विनर है हमारे शो का शहबाज। शहबाज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? सज्जाद। सज्जाद भाई कॉमन सेंस कैसा है आपका? नॉर्मल है। एक सवाल पूछ लूँ मैं आपसे? जी जरूर पूछे। अच्छा ये बताइए कि पाँच सेब हैं एक टोकरी में और पाँच लोग हैं, आपने सबको एक एक वो सेब देना है, ऐसे देना है कि एक सेब वो टोकरी में रह जाए। मैं काट के दे दूंगा।
काटना नहीं है, साबुत देने हैं। तो पांच केक अगर पांच सेब अगर पांच बंदों को दे दें तो एक कैसे बचेगा? बचेगा, कॉमन सेंस इसी में कहीं छुपा है जो आपको ढूंढना है। मैं एक से दे के और उससे लेके दूसरे को दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, सेब सबके पास जाने चाहिए। ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यार। अच्छा ये कहते हैं कि वॉइस टीवी यूके को सब्सक्राइब करें, कैमरे में देख के वॉइस टीवी यूके को जरूर सब्सक्राइब करें। आ हा, उठाया तो उठाया लेकिन जब खाया तो मज़ा आया। ये है बलूचिस्तान सज्जी के मशहूर कटाकट। दिखने में तो अभी कच्चे हैं लेकिन ये जब बन जाते हैं और जो भी हमारे खान साहब इनको तड़का लगा के बनाते हैं तो क्या ही बात है। आइए बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक, सादिक साहब दिमाग कैसे चलता है आपका, कॉमन सेंस है आप में? नॉर्मल है। अच्छा बताइए कि आपके पास पांच सेब हैं और पांच लोग हैं, आपने एक एक सबको देना है। ऐसे देना है कि आखिरी में एक टोकरी में बच जाए, कैसे देंगे? पांच सेब पांच लोगों को देने हैं। सेब ही पांच हैं, पांच लोग हैं तो पांचों को ही देंगे, टोकरी में कहाँ बचेगा? बचेंगे बचेंगे। पांच सेब हैं पांच लोगों को देने। थोड़ा कॉमन सेंस चलाएं, दिमाग लगाएं, मतलब सवाल में ही मेरा जवाब है। टोकरी में नहीं बचेंगे। अच्छा कटाकट के बारे में कुछ बता दीजिए ज़रा कि कितनी डिमांड होती है लोगों की? लोग बड़े दूर दूर से आते हैं, पसंद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हैदराबाद से आते हैं, लाहौर से आते हैं यहाँ खाने के लिए। बड़ा मशहूर है ये बहुत अच्छे तरीके से जी। तो नाज़रीन वॉइस टीवी यूके रोड शो का ये था आज का हमारा एपिसोड। हमने यहाँ के काफ़ी लोगों से सवालात किए, कॉमन सेंस जनरल नॉलेज। एक सवाल ये था कि वो कौन सा जानवर है जिसकी ज़ुबान नहीं होती, तो उसका जवाब है कि वो मगरमच्छ है जिसकी ज़ुबान नहीं होती। और एक और था कॉमन सेंस का सवाल कि आपके पास पांच सेब हैं एक टोकरी में, आपने पांच लोगों में तकसीम करने हैं और ऐसे करने हैं कि एक टोकरी में रह जाए, तो वो ऐसे करने हैं कि आपने जो चार सेब हैं वो तो तकसीम कर दिए हैं, पांचवा जो है वो टोकरी समेत दे देना है, ऐसे आपका सेब जो है वो टोकरी में भी रह जाएगा और हमारा जवाब भी निकल जाएगा। इसी के साथ ही कैमरामैन हसन मेहदी, आपके होस्ट शहबाज हसन को दीजिए इजाज़त।